अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो एक नए अंदाज़ में। आज हमारी मंजिल है कुरंगी नासिर जंप। आप लोगों ने दाल चावल तो बहुत खाए हैं, पूरे कराची के अंदर दाल चावल मिलते हैं, लेकिन आज जो हम जिस स्टॉल के ऊपर आए हैं, जिस स्टॉल पे और जिस मंजिल पे हम आए हैं, वहाँ पर चावल के साथ है कढ़ी पकौड़ा। और दाल तो खैर है इनकी, लेकिन इनका जो फेमस है वो कढ़ी पकौड़ा है, यानी चावल के साथ कढ़ी पकौड़ा लोग पसंद करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे स्टॉल कितना पुराना है। और आप लोग मेरी वीडियो देखते रहो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब दोस्तों को नया साल मुबारक हो। नए साल की ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो आप मेरी देख चुके हैं नाश्ते की, ये दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम भाई, ये बताएं कि ये आपका जो स्टॉल है दाल चावल और कढ़ी पकौड़ा, इसमें डिमांड किसकी आती है? चावल के साथ लोग दाल को ज़्यादा यूज़ करते हैं या कढ़ी पकौड़े को यूज़ करते हैं? मेरी माशाल्लाह दोनों चीज़ें चलती है, दोनों चीज़ें चलती हैं। दोनों चीज़ें बताएं, आपने एक प्लेट का क्या प्राइस रखा हुआ? मेरे पास 70-80 है, वैसे 10 रुपये वाला भी खाली नहीं जाता है। अच्छा 10 रुपये वाला। अच्छा ये स्टॉल आपका कितने साल पुराना है? ये 8 साल पुराना है। 8 साल से चल रहा है। और इस स्टॉल की क्या टाइमिंग है? टाइमिंग के बारे में सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक। सुबह 10 बजे शुरू होता है और 4 बजे ऑफ होता है? 4 बजे। भाई देखें, ये भाई की आपने बात सुनी कि सुबह 10 बजे शुरू होता है और 4 बजे ख़त्म भी हो जाता है, उनके पास इतनी डिमांड है, लोग यहाँ भेज के भी खाते हैं, पार्सल भी खाते हैं। आज हमारी मंजिल यहीं थी नासिर जंप पे, तो आज हम भी इनके पास आएँ तो अपना ऑर्डर लगवाते हैं, हम भी टेस्ट करेंगे कि इसका जायका कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। दोस्तों ये मेरा ऑर्डर लग के आ गया है, मेरे कैमरे की आँख आपको दिखाएगी, देखें इसके अंदर कढ़ी पकौड़ा भी है और दाल भी है और ये सलाद वगैरह भी डला हुआ है इसके अंदर और ये अचार भी डला हुआ है। अच्छा जो अचार का जो जायका होता है ना, इसका फ्लेवर होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, मुख्तलिफ होता है। अच्छा इसके अंदर 2 टेस्ट आएंगे, एक तो दाल का टेस्ट आएगा चावल के साथ और 1 टेस्ट आएगा कढ़ी पकौड़ा का। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं और उसको बताते हैं इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ज़रा इसको दाल के साथ टेस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैंने काफ़ी जगह दाल चावल खाया, काफ़ी जगह ट्राई किया है, लेकिन आज नासिर जंप आना हुआ है तो माशाल्लाह ये दाल चावल का तो जायका ही अलग है। और ये जो इसमें कढ़ी पकौड़ा डला हुआ ना, इसकी तो बात ही अलग है। अब ये कढ़ी पकौड़ा का भी ज़रा टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अचार वगैरह भी डला हुआ है और ज़बरदस्त जायका है ये। अच्छा आप लोगों का भी कभी आना हो ना नासिर जंप की तरफ, तो इनका दाल चावल और कढ़ी पकौड़ा टेस्ट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है जायके वाला। और इसमें सलाद वगैरह भी डला हुआ है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की नई नई वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।